हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेरेंटिंग विद डॉक्टर क्रूति। नए बच्चे का आगमन हर परिवार के लिए बहुत ही खुशी का मौका होता है, लेकिन उसके साथ ये चिंता भी बनी रहती है कि उसकी सेहत और तंदुरुस्ती का कैसे ध्यान रखा जाए। यही बताने के लिए आज हमारे साथ है सीनियर पीडियाट्रिशियन फ्रॉम आनंद, डॉक्टर मयूरी दोषी। स्वागत है आपका। आप सबका भी इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत खुशी की बात होती है, खुशी का माहौल परिवार में हो जाता है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी जानना है कि उसकी तंदुरुस्ती है वो ठीक से बनी रहे। तो जो पहला 4 वीक्स यानी पहला 28 डेज का जो पीरियड होता है उसको न्यूबॉर्न पीरियड कहते हैं। वो थोड़ा खतरे वाला पीरियड होता है, क्योंकि हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा खतरे वाला पीरियड है वो फर्स्ट 7 डेज यानी पहले जन्म के बाद के जो 7 दिन होते हैं वो सबसे खतरे वाले होते हैं। तो उसके लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, या तो हमको ख्याल होना चाहिए कि कोई कोई लक्षण जो बच्चे में होते हैं या कोई कंप्लेन होती है वो मामूली होती है, तो उसके लिए कोई फिक्र करने की वाली बात नहीं, या तो कोई कंप्लेन ऐसी होती है जो खतरे वाली है तो उसके लिए हमें जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो जो बच्चे हैं जो 37 वीक्स के पहले बॉर्न होते हैं, या तो जो वजन में 2.5 केजी से कम होते हैं, वो बच्चों के लिए थोड़ा खतरा ज्यादा रहता है, तो हमें ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तब से हम क्या क्या ख्याल रखेंगे, तो हमें उसके लिए सबसे पहला उसको इन्फेक्शन नहीं लगे यानी चेप नहीं लगे। तो वो चेप नहीं लगे उसके लिए हम क्या करेंगे, तो चलो वो देखते हैं कि हमें क्या तैयारी करनी है। तो पहले हमें 5 क्लींस यानी 5 तरह की सुरक्षा करनी है, जिससे बच्चे का कॉमन जो खतरा है इन्फेक्शन का वो सबसे कम हो जाए। तो पहला है क्लीन हैंड्स यानी हैंड हाइजीन। तो हम जब बच्चा पैदा होगा तो हम उसके लिए एक ग्लव्स पहनेंगे, स्टराइल ग्लव्स पहन लेंगे। दूसरा है क्लीन सरफेस, तो उसके लिए स्टराइल टॉवेल या एड और ड्राई होना चाहिए, और जो बेबी को कवर करने वाला ब्लैंकेट है वो भी ड्राई और क्लीन होना चाहिए। तीसरा है क्लीन ब्लेड यानी कि जो गर्भनाल होती है उसको उसकी जो मदर होती है उसको सेपरेट करने के लिए गर्भनाल को हमें काटना पड़ेगा, तो उसके लिए हम जो सीजर्स या ब्लेड यूज करेंगे वो पूरा स्टराइल यूज करेंगे। चौथा है कि जो वो गर्भनाल है उसको हम टाई करेंगे, तो उसको बांधने के लिए जो हम धागा या क्लिप यूज करेंगे वो भी प्रॉपरली स्टरलाइज होना चाहिए। और पांचवा ये बात है कि गर्भनाल पर हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। पहले के जमाने में ऐसा था कि उसके ऊपर गाय का गोबर लगाते थे, और उससे क्या होता था कि कितने सारे बच्चे टिटेनस से मर जाते थे। तो वो जो गर्भनाल है उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको ड्राई होने तक हम वेट करेंगे, वो अपने आप गिर जाएगा और उसको ऊपर कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। बच्चे बॉर्न होने के बाद उसको मतलब कब नहला सकते हैं, कौन से दिन पे कितना जल्दी हम उसको नहला सकते हैं? पहले के जमाने में ऐसा था कि बच्चा जैसे बॉर्न होता था थोड़ी देर में उसको कंप्लीट बात हम थोड़ा ल्यूकवॉर्म वाटर से दे देते थे, लेकिन अभी अभी ऐसा हमें मालूम हुआ है कि जो बच्चे का तापमान है वो तापमान मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो जो वो तापमान मेंटेन करने वाली जो सिस्टम होती है वो बच्चे में हजी अभी अभी तक
बहुत ठीक से डेवलप नहीं हुई होती है। तो अगर हम बच्चे को तुरंत नहलाएंगे तो उसका तापमान कम हो जाएगा, तो उससे उसको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो वो हमें अवॉइड करना है। तो हमें क्या करना है कि बच्चा जैसे बॉर्न होता है उसको अच्छी तरह पोंछ के उसको अच्छे से ब्लैंकेट, ड्राई ब्लैंकेट से, स्टराइल कपड़े से उसको लपेट के रख देना है। उसके बाद 24 घंटे के बाद उसको स्पंजिंग करना है, और नहलाने का तो जब तक वो गर्भनाल वो है वो अलग नहीं हो जाता है तब तक हम नहलाएंगे नहीं बच्चे को। जब गर्भनाल निकल जाएगा उसके बाद ही हम बच्चे को पूरी तरह बात देंगे, बाकी दिन में एक या दो बार हम अच्छे से उसको स्पंज कर देंगे। और जो फीडिंग है ब्रेस्ट फीडिंग वो कब मतलब चालू कर सकते हैं, बर्थ के कितने टाइम पे चालू कर सकते हैं? एक्चुअली ब्रेस्ट फीडिंग है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चालू कर देना चाहिए। किसी भी प्रकार की डिलीवरी है, वो नॉर्मल डिलीवरी है या सिजेरियन है, फिर भी बच्चे को उसकी माता से फीडिंग कराने का हमें चालू कर देना चाहिए। और आधे घंटे में भी हम ब्रेस्ट फीडिंग चालू कर सकते हैं, और एक घंटे से ज्यादा तो हमें देरी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम बच्चे को फीडिंग करने में देर करेंगे तो जो मिल्क लेट डाउन है वो जल्दी से नहीं होगा, और दूसरी बात है कि बच्चे में हाइपोग्लाइसेमिया या कम शुगर होने का प्रॉब्लम रहता है। शुरुआत में जो थोड़ा सा भी मिल्क आता है वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है, और वो थोड़ा सा अमाउंट भी बच्चे के लिए काफी होता है। तो हमें स्पेशली जो पहली बार जो माता बन रही है वो स्त्रियों के लिए हमें काउंसलिंग और सपोर्ट सिस्टम होनी चाहिए, ताकि उसको सब जानकारी मिले और उसको कोई तकलीफ नहीं हो ब्रेस्ट फीडिंग में। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि हमें 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना है, मतलब कुछ भी नहीं देना है, पानी भी नहीं देना है। और पहले के जमाने में और अभी भी काफी लोग को ऐसा होता है कि पहला फीड जो होता है बच्चे का वो जन्म गुटी कुछ देना होता है, तो हमें जन्म गुटी भी नहीं देना है, क्योंकि वो जन्म गुटी है ना उसमें या तो गुड़ का पानी देते हैं या हनी वाटर देते हैं, और उससे बच्चे के जो पेट होता है वो बहुत नाजुक होता है और उससे बच्चे को वॉमिट या उल्टी होने की संभावना हो जाती है। तो हमें बस ब्रेस्ट फीडिंग चालू करना है और एक्सक्लूसिव 6 महीने तक वही देना। हाँ, ऐसा है। हाँ, और नॉर्मली हम देखते हैं जैसे जन्म के बाद थोड़ा वजन कम होता है इनिशियली 1 हफ्ते 10 दिन में, तो कितना कम हो तो नॉर्मल है और किससे ज्यादा कम हो तो हमें चिंता करनी चाहिए? वैसे तो क्या है कि हर बच्चा है वो पहले वीक में थोड़ा वजन उसका कम होता है, उसका वेट लॉस होता है, तो जब तक 8-10% वेट लॉस होता है तो हमें चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि बच्चा जो पहले आया था जब पैदा हुआ था तो बहुत तंदुरुस्त लग रहा था, तो अभी तो बहुत सूखा सूखा लग रहा है, तो थोड़ा फैमिली के लिए या मदर के लिए चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन जैसे ही 1 वीक पूरा होता है तो बच्चा है वो वेट गेन करने लगता है, और यूजुअली 10-12 डेज में तो जो ओरिजिनल उसका बर्थ वेट होता है वो आ जाता है। और उसके बाद तो अगर वो ठीक से फीडिंग लेता है कोई प्रॉब्लम नहीं है तो 20-40 ग्राम्स वजन उसका बढ़ने लगता है, और 1 महीने में तो 700-800 ग्राम्स जितना वेट गेन बच्चा कर लेता है, तो खासा वो अच्छा दिखने लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।